रायपुर में मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के चुनाव न लड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी बड़ी संस्था है, इस पर कोई एक व्यक्ति कहे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो वहां 10 लोग चुनाव लड़ने को तैयार रहते हैं। बता दें कि टीएस सिंहदेव ने किसी भावना से क्या सोचकर किसी को क्या कहा ये तो वही जानते हैं, उनके कहने का क्या भाव है, अर्थ है, किस तरह की परिस्थितियां उनके सामने है वही जानेंगे, लेकिन उससे कांग्रेस को कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत पुरानी संस्था, बड़ी संस्था है, काफी जंजावत झेलने वाली संस्था है, देश की आजादी को झेलने वाली संस्था है। उनकी परिस्थितियां आई आजादी के बाद, वो कांग्रेस की संस्था है, वो कांग्रेस की संस्था जो है, जो कांग्रेस की संस्था को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल पिछले दिनों मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि चुनाव से पहले मैं अपने भविष्य के बारे में फैसला लूंगा। टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर कहा कि अभी फैसला नहीं लिया है, तो के लिए इंतजार और मेरे लिए भी इंतजार, लेकिन हर बार की तरह वो बार मेरा मन चुनाव लड़ने का इस बार मेरा मन नहीं है, जो भी करूंगा जनता से पूछ कर करूंगा। क्योंकि फैसला नहीं लिया है तो तब तक का इंतजार मेरे लिए भी, सबके लिए भी। जनता कब तक, मैंने इस बार सही में मन नहीं बनाया, वरना अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 2008, 2013, 2018, इसके पहले मन में भी था कि मन है लड़ने का, लोगों से पूछ के लड़ूंगा। इस बार वैसा मन नहीं है, लेकिन जो भी करूंगा पूछ के करूंगा। कांग्रेस को कोई नुकसान का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस तो एक ऐसी बड़ी संस्था है कि इस पर कोई एक व्यक्ति कहे मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो फिल अप द ब्लैंक्स के लिए लोग तैयार रहते हैं। कोई एक आदमी अगर नहीं लड़ना चाहता तो वहाँ 10 लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक रहते हैं। पर टीएस बाबा ने किस भावना से क्या सोच के उन्होंने कहा ये तो वही जानेंगे। उनके कहने का क्या भाव है, अर्थ है, क्या परिस्थितियां हैं उनके सामने वो जानेंगे, लेकिन उससे कांग्रेस को कोई असर इससे पड़ेगा ऐसा